हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में। मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं और हिंदी में हम कैसे कैसे बोलते हैं और उसे इंग्लिश में हम कैसे कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है और उसके ऊपर इन दोनों के बीच में कैसे आर्ग्यूमेंट्स बहसबाजी होती है। अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पर हिंदी के डायलॉग्स बोलूँगा और ये दोनों बच्चे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? मैं क्यों बताऊँ मेरा क्या नाम है? व्हाई शुड आई टेल यू माय नेम? मैं जानती हूँ तुम मुझे छेड़ रहे हो। आई नो यू आर मोलेस्टिंग मी। मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ बॉय। मैं तुम जैसे छिछोरों को जानती हूँ। आई नो सच फ्लिपेंट्स लाइक यू। मैं छिछोरा हूँ। I am flippant. चुप हो जाओ तुम। Just shut up. मुझे इस तरह से बात मत करो। Mind your language. बदतमीज, बेबुद्धि इंसान। Stupid, you moron. तेरी माँ बहन नहीं है। You don't have mother and sister. क्या बकरी है तू? What the hell are you saying? ठीक है, मैं तेरी जुबान काट दूंगा। I'll cut your tongue. ठीक है, मेरी माँ बहन पे मत जाइयो। Keep up my family. तो मुझे ऐरा गैरा नथु खैरा समझ रही है? यू आर कंसीडरिंग मी टू बी टॉम डिक हैरी। मैं समझ नहीं रही, तू है। आई एम नॉट कंसीडरिंग यू आर टॉम डिक हैरी। तू मुझे हल्के में मत ले। डोंट टेक मी विद शैलोनेस। तू जानती नहीं है मेरे बारे में मैं कौन हूँ। यू डोंट नो विजावी मी हु आई एम आई। अबे तू किस खेत की मूली है? व्हाट्स योर वर्थ? तू है कौन? हु आर यू? ठीक है, तेरे जैसे ना 36 मेरे आगे पीछे नाचते हैं। अ नंबर ऑफ स्कोर्स रिवॉल्व अराउंड मी। तूने कभी अपना थोपड़ा देखा है आईने में? Have you ever seen your face in the mirror? मैं रोज देखती हूँ। I see daily. चल फुट ले यहाँ से, निकल ले यहाँ से। Get lost from here. निकल ले यहाँ से। Get going. 9:11 हो ले यहाँ से। Take to your heels. ले बाप की जगह है? This is your father's place. ठीक, हाँ ये मेरे बाप की जगह है। Yes, it's my father's place. जी कर रहा है ना मैं तेरे गाल पर खिंचा के थप्पड़ मारूं? I feel like slapping your cheek strongly. Bastard. हरामी कमीना। Bloody bastard mean. कुत्ता। Dog. तलवे चाटने वाला इंसान। ब्राउन नोजर। ठीक है, 2 टके का आदमी। मैन ऑफ टू बिट। मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रिटॉर्टिंग टू मी। बकती रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कीप अटरिंग मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर टू मी। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिस्टर प्रिंस यहाँ पर रोल निभाएंगे एक अंकल का जो यहाँ पे बीच बचाव करेंगे। तो देखिए कैसे हम बीच बचाव में हम क्या क्या डायलॉग्स बोलते हैं, देखेंगे इस वीडियो। क्या हुआ बेटी? व्हाट हैपेंड डॉटर? अंकल ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। अंकल दिस बॉय इज मोलेस्टिंग मी। बेटा मेरी बात सुन। सन लिसन टू मी। ठीक है बोलिए अंकल। स्पीक अंकल। बेटा ये लड़की बाजी रंगरलियां छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पुट दिस डैलियंस एंड फोकस ऑन योर स्टडी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग यू फॉर योर वेलफेयर। यस सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। सर आई एडमिट माई पैकेडिलो। ठीक है गुड, और ये लड़ाई झगड़ा यहीं खत्म करो। Bear the matter here. ठीक है एंड चलो माफी मांगो। Okay, apologize to her. ठीक है, please मुझे माफ कर दीजिए। Forgive me. कोई बात नहीं. It's okay. ठीक है, धन्यवाद अंकल। Thank you अंकल। आप बीच में आ गए। You stepped in. कोई बात नहीं बेटा। No problem daughter. I have also daughters. ठीक है, मैं सब समझता हूँ। I understand everything. ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना ख्याल रखो बेटा। टेक केयर ऑफ यू। ठीक। सो गाइस देखा हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे कि गलती मानने को हम क्या बोलते हैं, एडमिट। ये करेक्ट वर्ड है। कई बार आप लोग स्पीकिंग बोलते वक्त कहते हैं आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैं आपको बता दूँ कि एक्सेप्ट गलती मानने के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर आपको एक टॉप क्लास की अच्छी इंग्लिश बोलनी तो आप हमेशा जब भी बोलें कि मैं अपनी गलती मानता हूँ तो आप कहें वहाँ पर आई एडमिट माई पैकेडिलो। गलती को हम पैकेडिलो भी बोलते हैं जो छोटी मोटी गलती होती है, या फिर आप कहें आई एडमिट माई फॉली या आई एडमिट माई मिस्टेक। इस तरीके से यहाँ पे एडमिट वर्ड आपने सीखा। फिर यहाँ इस वीडियो में आपने देखा कि हम छिछोरे को क्या कहते हैं, कहते हैं ये तो छिछोरा है, तू छिछोरा है। तो छिछोरे को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लिपेंट। तो आप कह सकते हो यू आर फ्लिपेंट, आप छिछोरे हैं। कई बार हम बोलते हैं अबे तू दो टके का आदमी है यार, है ना। तो 2 टके के आदमी को बोलते हैं मैन ऑफ टू बिट। आप इसे ये भी कह सकते हैं मैन ऑफ टू सेंट्स, ये भी कहा जाता है 2 टके का आदमी। तो आप कैसे, भैया मैं 2 टके का आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट मैन ऑफ टू बिट। इस तरीके से
फिर आपने यहाँ पे देखा कि लड़की छेड़ने को क्या कहते हैं, तो लड़की छेड़ने को कहते हैं मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब लड़की छेड़ना होता है, और ये बड़ा ही संगीन वर्ड है जिसमें लड़की को बुरी तरह से आप छेड़ें या उसकी बॉडी पे हाथ रखें, टच करें या गाली दें उसको, तो उसे मोलेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये यूज़ करें, आप मोलेस्ट वर्ड का यूज़ करें। फिर इस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पे और भी वर्ड जो इन बच्चों ने बोले हैं आपने सुने होंगे, जैसे कि इस वर्ड आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि तू किस खेत की मूली है, तो क्या आप इसे ऐसे बोलेंगे कि विच फील्ड्स यू आर रेडिस और समथिंग लाइक दिस वे? नो, नेवर स्पीक लाइक दिस गाइस वे, नेवर स्पीक लाइक दिस गाइस, कभी भी ऐसा ना बोलेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे आपको बोला है तू किस खेत की मूली है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इसको व्हाट्स योर वर्थ। व्हाट्स योर वर्थ का मतलब तेरी क्या वैल्यू है, व्हाट्स योर वर्थ, तू किस खेत की मूली है भाई, तू है क्या चीज़ ऐसे। तो जैसे अब तू है क्या चीज़, तू किस खेत की मूली है, तो इंग्लिश से बोलेंगे व्हाट्स योर वर्थ। है ना, जबरदस्त वर्ड, हम यूज़ भी करते हैं अपनी लाइफ में ऐसे वर्डों का, है ना। तो देखा आपने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपने, तो देखिए इस तरह की हमारी बहुत सारी वीडियो आने वाली है फ्यूचर में जो आपकी इंग्लिश को ना निखार के रख देगी, सच में मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। तो ऐसी बेहतरीन इंग्लिश सीखने की और जबरदस्त इंग्लिश बोलने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें खाटू श्याम इंग्लिश, खाटू श्याम इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय बाय।